हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ये ओनली एलईडी लाइट में नहीं, ओनली फोन की चार्जर में नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी अडाप्टर जो आती है, बड़ी बड़ी पावर सप्लाई, SMPS, कंप्यूटर की पावर सप्लाई, या तक कि वेल्डिंग मशीन में भी ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है। और AC को पहले DC बनाया जाता है, फिर कैपेसिटर में स्टोर किया जाता है, उसके बाद यूज किया जाता है। और यही आ जाता है एक बिग प्रॉब्लम जो है पावर फैक्टर का। क्या आपको पता है ये जो ब्रिज रेक्टिफायर ये कितना खतरनाक है आपका पावर स्टेशन के लिए, जहाँ से पावर पैदा होकर आ रही है आपके घर तक, उसके लिए ये कितना खतरनाक है और कैसे इसको हम ठीक कर पाते हैं, वो देखने के लिए इस वीडियो का आपको जरूर लास्ट तक देखना होगा। उससे पहले आपको बताया जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होती है और उसके बाद बताएंगे पावर फैक्टर करेक्शन क्या होती है। तो ये वीडियो बेसिकली पावर फैक्टर के बारे में और कैसे ब्रिज रेक्टिफायर आपका पावर स्टेशन को लोड पहुँचाती है और पावर स्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाती है, यह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पावर फैक्टर यानी PF और इसकी करेक्शन यानी PFC, जो हम देखते हैं कहीं पर पावर फैक्टर लिखा हुआ रहता है किसी गैजेट के ऊपर, या फिर कहीं पर सर्किट में जैसे SMPS में होता है PFC रहता है, तो ये क्यों रहता है और पावर फैक्टर कहाँ से आती है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज्ञान आपको मिलने वाली है इस वीडियो से, तो हो सकता है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। पावर फैक्टर होता क्या है, ये ओनली AC में एग्जिस्ट करता है, DC पावर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि AC पावर कैसे बनती है और AC पावर का जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी होती है। तो भाई साहब, AC पावर जनरेट होती है जनरेटर से, मतलब कि डायनामो से, उसमें कॉयल रहती है। तो मान लीजिए ये एक कॉयल है और दूसरा कॉयल यहाँ पर है और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है और यहाँ से आउटपुट लिया गया है, और मिडिल में रहती है एक मैग्नेट। तो मान लीजिए ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये है मैग्नेट का साउथ पोल, मतलब कि माइनस है साउथ पोल और ये प्लस को हम नॉर्थ पोल मानते हैं। तो ये मैग्नेट घूमती है, जैसे आपका पावर प्लांट के अंदर होता है वो स्टीम इंजन के मदद से ये मैग्नेट को घुमाया जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट डायनामो है ये सिंगल फेज का। अगर आप थ्री फेज का लेते हैं तो ऐसा तीन मैग्नेट रहेगा, मतलब कि 6 पोल रहेगा इसका, और उसमें 6 के मल्टीप्लीकेशन में जैसे 12, 18, 36 इस तरह का पोल्स रह सकती है, लेकिन हम सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं सिंगल फेज के लिए दो पोल की डायनामो। तो इसमें क्या होती है, जो मैग्नेट है ये घूमती है, तो ये जो है इस कॉयल से देखिए साउथ पोल दूर गया, उसके बाद नॉर्थ पोल इसके पास आएगा, उसके बाद साउथ पोल फिर से आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, जो AC की वेव बनती है, वो जो वोल्टेज की वेव बनती है वो इस तरह का बनती है, साइन वेव बोलते हैं इसको। ये है आपका टाइम एक्सिस और ये है आपका वोल्टेज एक्सिस या फिर करंट एक्सिस मान लीजिए। तो मानिए कि पहले ये इस तरह का था मैग्नेट, उसके बाद ये घूमना शुरू हुआ, तो ये जैसे ही नॉर्थ पोल के पास आएगा इसका वोल्टेज बढ़ेगा, उसके बाद नॉर्थ पोल से दूर जाएगा ये तो वोल्टेज कम हो जाएगा और इस पोजीशन में जीरो हो जाएगा। फिर से ये साउथ पोल आएगा तो वोल्टेज तो पॉजिटिव में नहीं बढ़ेगा, नॉर्थ पोल के लिए पॉजिटिव में बढ़ा था तो अब नेगेटिव में बढ़ने लगेगा लाइव की वोल्टेज, और न्यूट्रल तो फिक्स रहती है तो नेगेटिव में बढ़ने लगा। उसके बाद फिर से जीरो हुआ जब इस पोजीशन में आ गया, फिर से नॉर्थ पोल आती है तो फिर से ये चीज़ रिपीट होती है। तो इस तरह से AC की वेव बनती है। आप मान लीजिए ये दोनों आपका कनेक्शन है, ये है लाइव, ये है न्यूट्रल, तो इसके बीच एक 100 वाट का बल्ब आपने लगाया, तो उस बल्ब के अंदर फिलामेंट रहती है, वो प्योरली रेजिस्टिव चीज़ होती है। तो उसके अंदर क्या होगा, ये जो करंट फ्लो होगा, ये वोल्टेज जो है, वोल्टेज की वेव फॉर्म इस तरह का अगर है तो करंट की भी वेव फॉर्म इसके ऊपर ही कोरोलेट करेगी, मतलब कि वोल्टेज जब बढ़ा करंट भी बढ़ा, वोल्टेज घटा तो करंट भी घटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर फैक्टर होता है 1। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम शुरू होता है अब जब आप कोई इंडक्टिव चीज़ें यूज करेंगे, जैसे कि कोई ट्रांसफार्मर हो गया या फिर कोई कैपेसिटिव ड्रॉपर सर्किट हो गया, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर लेस सप्लाई हम बोलते हैं, तो एक कैपेसिटर की मदद से वोल्टेज को कम किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो करंट और वोल्टेज ये दोनों एक साथ नहीं रहता है, तो ये अगर वोल्टेज की वेव फॉर्म हो गया तो करंट थोड़ा सा लीड या लैग कर सकती है। तो मान लीजिए जो करंट है उसका वेव फॉर्म आपका इससे थोड़ा सा लीड कर गया, तो इसमें क्या होता है, जो करंट की वेव फॉर्म है वो इस तरह का रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज आपका हाई था करंट हाई नहीं था, वोल्टेज आपका हाई है करंट हाई नहीं है, वोल्टेज सबसे लोएस्ट है करंट इसमें नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच थोड़ा सा शिफ्ट हो गया करंट और वोल्टेज के बीच। तो ये इसी से प्रॉब्लम क्रिएट होती है पावर फैक्टर का। तो भाई साहब, अगर आप इस केस को कंसीडर करते हैं, इसमें जो हमारा पावर वेस्ट हो रहा है वो V×I करने से आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है। फेज क्या होता है, जो आपका ये मैग्नेट घुमा था डायनामो के अंदर, ये फुल रोटेशन का अगर आप 360 डिग्री कहते हैं, मतलब कि एक फुल रोटेशन होता है, इसको हम 360 डिग्री बोलते हैं।
तो इसकी जो आधा रोटेशन, इसको हम 180 डिग्री बोलेंगे, उसका आधा को 90 डिग्री बोलेंगे। तो इस तरह से जो शिफ्ट होता है वो एंगल के फॉर्म में होता है, तो उसको हम बोलते हैं फेज। ओके, मतलब कि जो ये डायनामो घुमा वो कितना डिग्री तक घुमा वो फेज होता है। तो उसका घूमने के साथ साथ ये जो साइन वेव है ये भी चेंज होता है। तो एक बार फुल रोटेशन होने में साइन वेव यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो इतना में होता है 360 डिग्री साइन वेव का। तो इसमें से कितना शिफ्ट हुआ, तो ये देखिए, ये जो शिफ्ट हुआ ये कुछ डिग्री शिफ्ट हुआ, मान लीजिए 30 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको फेज बोलते हैं, फेज एंगल। ओके, तो इसको बोलते हैं फाई, मतलब फेज एंगल, या फिर थीटा बोल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई एसी सर्किट बनाया, एसी में ये काम कर रहा है, तो वोल्टेज और करंट को 2 मीटर से आप मेजर कर रहे हैं। वोल्टेज के लिए 1 वोल्टमीटर लगाया और करंट के लिए 1 एम्पमीटर लगाया। तो वोल्टमीटर में दिखा रहा है 220 वोल्ट आपका घर में आ रहा है, और करंट में दिखा रहा है कि ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो इसमें जो पावर वेस्ट हो रहा है वो 220 वाट होगा, क्योंकि करंट इंटू वोल्टेज करेंगे तो ही आपका पावर बनती है। तो P इक्वल्स 220 × 1, तो पावर बन गया 220 वाट। ये सेटिस्फाइड है इस केस में। लेकिन अगर आपका दो वेव जो है ये कोरोलेट नहीं करता है एक साथ, ये नहीं है, तो इसके अंदर अगर फेज शिफ्ट है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव लोड लगाया जाता है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का लोड, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। तो कैपेसिटिव या इंडक्टिव लोड अगर लगाया जाता है तो करंट और वोल्टेज ये कोरोलेशन में नहीं रहती है। ये देखिए, यहाँ पर जो है करंट आपका जीरो है, ये करंट की वेवफॉर्म, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म। यहाँ पर करंट जीरो है लेकिन वोल्टेज देखिए मैक्सिमम है, इस टाइम स्टैम्प का मैं बात कर रहा हूँ। और इनिशियल टाइम पे देखिए करंट हाई था, वोल्टेज जीरो था। यहाँ पर देखिए वोल्टेज जीरो, करंट हाई। उसके बाद देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वोल्टेज और करंट ठीक तरीके से चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज हाई है लेकिन करंट देखिए जीरो के बराबर है। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है जब आप 2 मीटर लेते हैं। 2 मीटर में तो उसको नहीं पता टाइमिंग क्या होता है, मीटर 2 मीटर अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच टाइमिंग का कोई डिफरेंस नहीं आया। तो इसमें 220 दिखाया, इसमें 1 एम्पियर दिखाया, तो आपका वाटेज बन गया 220 वाट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि इसमें 220 वाट नहीं फ्लो हो रही है, इसमें 0 वाट करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म है, इसमें जो एंगल की डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, इसलिए एक जीरो है एक हाईएस्ट है। ओके, तो ये जो है पूरा साइकिल आपका 360 डिग्री, इसका 1/4 के डिफरेंस इसमें है। अब ये सिचुएशन कब होती है, कब 90 डिग्री की शिफ्ट आती है, जब आपका एक लाइव और न्यूट्रल के बीच कोई कैपेसिटर कनेक्टेड हो, या फिर कोई ट्रांसफार्मर आपका कनेक्टेड हो लाइव और न्यूट्रल के बीच, ट्रांसफार्मर या फिर कोई कॉयल हो। ओके, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं होना चाहिए सेकेंडरी में। सेकेंडरी में लोड देंगे तो ये धीरे धीरे कोरोलेशन में आ जाती है, लेकिन लोड इसमें जब नहीं रहेगा तब ये 90 डिग्री शिफ्ट रहेगा, इसीलिए 0 वाट मैंने बताया। तो कैसे 0 वाट हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो इनिशियल टाइम है इसमें जो है, इस टाइम को अगर हम लेते हैं तो करंट हमारा था 1.4 एम्पियर, बता रहा हूँ कि 1.4, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और वोल्टेज था 0 वोल्ट। तो करंट कितना बना, P इक्वल्स टू V इंटू I, 0 वाट। तो ये 1.4 क्यों होता है, जो हम एसी की वोल्टेज या फिर करंट डिफाइन करते हैं वो तो चेंज होता है ना, तो इसको हम कैसे एक फिक्स्ड वैल्यू देकर डिफाइन करेंगे, इसलिए एक मीन वैल्यू दिया जाता है। ये मीन वैल्यू कुछ इस लेवल पर रहती है, मतलब कि पीक से थोड़ा सा नीचे और बाकी जो जीरो है उससे बहुत ऊपर, मतलब कि 1.4 गुना होता है ये पीक। ये पीक 220 वोल्ट के लिए ये इंटू 1.4 करेंगे तो 310 वोल्ट बनती है, और 1 के लिए वो 1.4 होगा। तो जो मेन वैल्यू हम लेते हैं वो इस जगह पे लेते हैं, ये होता है 1, और ये इस जगह पे होता है 220 वोल्ट, तो ये बन गया 0 वाट। अब इस पॉइंट को लेंगे तो वोल्टेज 0 और करंट है -1.4, तो इस पॉइंट पे भी P2, ये है P1 पॉइंट, P2 पॉइंट मान लेते हैं, तो P2 पॉइंट में एम्पियर आ रहा है -1.4 इंटू वोल्टेज है 0 वोल्ट, तो इसमें भी पावर 0 वाट। और इस पॉइंट में वोल्टेज है हाई, एम्पियर है 0, तो इसमें भी 0। लेकिन दोस्तों अगर आप इस पॉइंट की बात करते हैं, मान लीजिए इस मिडिल की पॉइंट, तो क्या होगा, एम्पियर और वोल्टेज दोनों का ही वैल्यू है देखिए इस पॉइंट में, या फिर कोई ऐसी मिडिल का पॉइंट ले लीजिए, इसमें देखिए एम्पियर और वोल्टेज दोनों की वैल्यू है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसकी भी वोल्टेज की भी एक वैल्यू है और करंट की भी एक वैल्यू है। तो मान लीजिए वोल्टेज की वैल्यू है 100 वोल्ट और करंट की वैल्यू मान लीजिए अपने 1 एम्पियर या फिर 1.2 एम्पियर मान लीजिए, तो होता है 120 वाट, 120 वाट बन गया। लेकिन दोस्तों ऐसा ही सिमिलर पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, तो इस पॉइंट पे भी वोल्टेज होगा 100 वोल्ट, लेकिन दोस्तों इस जगह पे करंट देखिए क्या होगा, -1.2 एम्पियर। तो इसमें वाट कितना बनेगी, -120 वाट, क्योंकि
वोल्टेज पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव हो तो माइनस बन जाती है और दो नेगेटिव हो तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाती है। तो ऐसे ही हर एक मिडिल के पॉइंट का एक और पॉइंट रहेगा जो इसको कैंसिल करेगा, कैंसिलेशन पॉइंट रहेगा। इसका भी कैंसिलेशन पॉइंट यहाँ पर रहेगा। देखिए इस जगह पे वोल्टेज माइनस है, यहाँ पे भी वोल्टेज माइनस है, लेकिन यहाँ पर करंट माइनस है, यहाँ पर करंट प्लस है। तो इस तरह से जो है कैंसिल हो जाती है। तो एक हिस्सा में जो पावर आपका ट्रांसफार्मर के अंदर गया, पावर गया, उसके बाद के हिस्सा में पावर इससे बाहर निकलती है, मतलब ये एनर्जी को स्टोर करती है, उसके बाद की साइकिल की कुछ हिस्सा में ये एनर्जी को बाहर निकलती है और वो ट्रांसमिशन लाइन में वापस दे देता है एनर्जी को। इसमें जो वाट खर्चा होती है वो होता है 0 वाट अल्टीमेटली। तो अगर सब वाट को आप टोटल करेंगे और मीन करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। जैसे कि ये 0 0 हो गया, ये तो 0 ही है, और यहाँ पर प्लस मिला था, यहाँ पर माइनस मिला था, सेम वैल्यू, तो इसलिए ये 0 हो जाती है, 0 वाट। तो इसको बोलते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है लेकिन कोई वाट नहीं बन रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आप अगर ट्रांसफार्मर यूज करते हैं कोई घर में किसी चीज़ को पावर देने के लिए, तब तो वो पावर नहीं खाएगा क्योंकि 0 वाट हो रहा है। लेकिन नहीं, जब ट्रांसफार्मर में लोड नहीं है तभी 90 डिग्री शिफ्ट होती है। जब आपने लोड दे दिया तो ये शिफ्ट कम होती है या फिर ज़्यादा होती है। तो ये मान लीजिए 60 डिग्री शिफ्ट हो गया, तब थोड़ा सा करंट खाएगा। उसके बाद जब पावर फैक्टर हमने आविष्कार कर लिया, उसके बाद तो यूनिट देना पड़ेगा कि पावर फैक्टर को हम किस नाम से जानेंगे। तो उस यूनिट को दिया जाता है कॉस थीटा, मतलब कि इन दोनों वेव के अंदर कितना डिफरेंस है, जो एंगल डिफरेंस मैंने बताया उसको अगर थीटा मानते हैं तो उसका कोसाइन होता है पावर फैक्टर। तो ये मेरा केस में था 90 डिग्री, तो मेरा पावर फैक्टर है इस केस में कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। और दोस्तों पावर फैक्टर को कंसीडर करते हुए हमारा जो पावर की वैल्यू होता है पी इक्वल्स टू वी इंटू आई, ये ऐसे में होता है वी इंटू आई। अगर हम एसी पावर के कंसीडर करते हैं पावर फैक्टर को, तो इसके साथ पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसको फैक्टर कहा जाता है, इंटू कॉस थीटा। मतलब कि पावर का मेन डेफिनेशन है एसी पावर का, वो है वी इंटू आई इंटू कॉस थीटा। अगर आपका दो वेव एक साथ कोरोलेट कर गया, मतलब कि इस सिचुएशन हो गया, इसमें जो है कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये चीज़ 1 हो जाएगा। तब क्या होगा, पी इक्वल्स टू वी इंटू आई इंटू 1। किसी चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ बचती है, तो 1 को हम ना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो भाई साहब बहुत टेक्निकल बातें होगी, आप थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाते हैं पावर फैक्टर क्या होती है। तो इस केस में आप दो अलग अलग मीटर से मेजर किए थे, 220 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो आपका अपेरेंट पावर आया था 220 वाट। इसको अपेरेंट पावर बोलते हैं, मतलब कि जो मुझे लग रहा है कि इतना पावर है इसको अपेरेंट बोलते हैं, और जो एक्चुअल में पावर है वो है 0 वाट। तो ये होता है ट्रू पावर। ओके, तो ट्रू पावर और अपेरेंट पावर, ये दोनों चीज़ें को आप समझ लीजिए पहले। तो मान लीजिए आपने कोई बॉटल में कुछ कोका कोला या फिर बियर ले लिया, तो उसमें जो पानी रहेगा इतना, मान लीजिए कुछ लिया तो उसमें जो लिक्विड रहेगा वो होता है आपका ट्रू पावर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके ऊपर जो फोम रह सकती है, जो फोम रहेगा उसके ऊपर, इस टोटल को बोलते हैं अपेरेंट पावर। ठीक है, तो ये जो ऊपर की हिस्सा है इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, मान लीजिए। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप जब पैसा पे करेंगे तो किसके लिए करेंगे, इतना के लिए करेंगे या फिर ये जो फोम है इसके लिए भी करेंगे? जाहिर सी बात है, आप जो लिक्विड आप लिया उसके लिए पैसा पे करेंगे। उसी तरह से हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें जो पावर फैक्टर बनती है, मतलब कि अपेरेंट पावर बनती है, उसके लिए हम बिल पे नहीं करते हैं। हमारे घर में जो मीटर लगाया जाता है वो ओनली ट्रू पावर को मेजर करती है। तो हमें ट्रू पावर के लिए पैसा पे करना होता है, अपेरेंट पावर के लिए पैसा पे नहीं करना होता है। तो अगर आपने लाइव और न्यूट्रल के बीच कोई ट्रांसफार्मर लगा के रखा पूरा दिन और वो एम्पियर ले रहा है 1 एम्पियर और वोल्टेज उसके अंदर है 220 वोल्ट, तो 220 वाट उसमें खर्च हो रही है अपेरेंटली, अपेरेंट ट्रू नहीं है। तो ट्रू पावर आपका 0 है, तो मीटर में वो रीडिंग नहीं देगा। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर गर्म होता है जब आप इसको लगा के रखते हैं ऐसे, तो वो गर्म होने के लिए थोड़ा सा पावर लेती है, 1 या 2 वाट। अब दोस्तों बात करते हैं हम पावर फैक्टर को लेके इतना चिंता क्यों करते हैं, जब आपको पे ही नहीं करना पड़ता इसके लिए। लेकिन दोस्तों ये टेंशन की बात है, क्योंकि टेंशन आपका नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, आप कंज्यूमर है, आपका टेंशन नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उनका टेंशन है, क्योंकि जब आपका ट्रांसफार्मर ऐसे एसी लाइन में लगा हुआ था, कोई लोड नहीं है इसके साथ, तो आपका मीटर में बिल नहीं आ रहा है, लेकिन इसके अंदर करंट घुस रहा है और वोल्टेज भी है इसके अंदर, लेकिन वो दोनों 90 डिग्री अपार्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो आपका पावर स्टेशन है, मान लीजिए आपका पावर स्टेशन दिल्ली में है और उससे आपका आसपास की कोई इलाका में करंट जा रही है, तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन का यूज़ किया जाएगा, बीच में कोई ट्रांसफार्मर रहेगा, बीच में पावर हाउस रहेगा, वो सब हम ओमिट करते हैं,
जस्ट वायर से आपको दिखाते हैं, और इसके जनरेटर के अंदर भी कॉइल रहेगी। तो इस वायर का तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है ना वायर का, तो उस रेजिस्टेंस के वजह से इसके अंदर जब करंट जा रही है तो ये हीट होता है, तो हीट के तौर पे एनर्जी बाहर में रेडिएट करती है, तो पावर लाइन में प्रेशर पड़ रही है, मतलब कि हीट के तौर पे जो लाइन है वो डिसिपेट हो रही है पावर, जैसे आपका ट्रांसफार्मर में हुआ था 1-2 वाट। तो ये जो हीट हो रहा है लाइन, ये आपका जो मीटर है इसमें बिल नहीं कर रहा है, फिर भी ये लाइन हीट हो रहा है, इसलिए इसका जो पावर है वो थोड़ा सा वेस्ट हो रहा है। तो इसमें मान लीजिए 10 वाट आपका ट्रांसमिशन लाइन में वेस्ट हो गया, तो ये आपका मीटर में बिल तो नहीं आया, तो ये 10 वाट उनका लॉस हो रहा है, इसलिए पावर फैक्टर उनके लिए लॉस ही है, आपके लिए कुछ नहीं है। और दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाया जाए, जैसे कि हम आज के डेट में कोई भी पावर सप्लाई यूज करते हैं उसमें पहले एसी को डीसी किया जाता है एक ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर से, उसके बाद एक कैपेसिटर में भरा जाता है, और इस कैपेसिटर के अंदर से ये चीज़ चलती है, जैसे चार्जर हो गया या फिर कंप्यूटर का पावर सप्लाई हो गया, कोई भी चीज़ SMPS से जो चलती है। तो इसमें पावर फैक्टर की प्रॉब्लम आती है इस ब्रिज रेक्टिफायर में, ये क्या करती है, इसको मैं एक थोड़ा सा सिंपल मॉडल के साथ आपको बता रहा हूँ, एक रेक्टिफायर डायोड यूज करके। यहाँ पर 4 डायोड यूज किया हुआ है, लेकिन हम एक डायोड यूज करके आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका लाइव न्यूट्रल आया था, ये है लाइव और न्यूट्रल, और इसको आप स्टोर कर रहे हैं एक कैपेसिटर में। तो एसी की जो साइकिल है, पहली इतना साइकिल में ये जो कैपेसिटर है वो भी चार्ज हो गया, ये कैपेसिटर की जो करंट है वो बता रहा हूँ, और ये जो है वोल्टेज, तो ये है वी, ये है आई, कैपेसिटर चार्ज हो गया। उसके बाद एसी की साइकिल पीछे चला गया और कैपेसिटर तब चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वोल्टेज कम हो गया, तो डायोड ये कंडक्ट नहीं करेगी, तो ये जो है कैपेसिटर के चार्ज ऐसे ही बना के रखेगा। उसके बाद ये नीचे से आके जब ऊपर आएगा फिर से, तो इसका जो चार्ज है थोड़ा थोड़ा सा घटता जाएगा क्योंकि इससे चार्जर जो है चल रही है, तो इस कैपेसिटर का चार्ज जो है थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा। उसके बाद जैसे और एक आपका पीक आया, तब ये जो है कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से ये धीरे धीरे घटेगा, फिर से वह चार्ज होगा, मतलब कि कैपेसिटर चार्ज होती है इस तरह से, एक बार चार्ज हो गया फिर डिस्चार्ज हुआ, चार्ज हुआ फिर डिस्चार्ज हुआ। तो कैपेसिटर में जो करंट जाती है ना, वो अगर ये उसका वोल्टेज है, तो करंट की वेवफॉर्म कुछ इस तरह का होती है, वो पीक में करंट लेता है, पीक में एक बार करंट ले लिया, उसके बाद और एक बार पीक में करंट ले लिया, ऐसे जब पीक आती है तभी करंट लेता है। और ये सिंगल डायोड रेक्टिफायर, इसलिए इसको मैं ओमिट कर रहा हूँ, अगर ये ब्रिज रेक्टिफायर होता अगर ये, तो ये इसमें भी करंट लेता, ब्रिज रेक्टिफायर दोनों साइड में करंट लेता है। अब अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आया, तो आपके लिए मैं एक और थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने कभी समुंदर देखने गया, वहाँ पर एक पागल मिला जो समुंदर में नहाने गया लेकिन बाल्टी और मग लेके गया। मान लीजिए एक पागल मिला आपको, एक बाल्टी और एक मग लेके गया, ओके। तो वो क्या चाहता है कि समुंदर की जो लहरें हैं वो आएंगी, बाल्टी को हीट करेगी, बाल्टी में पानी भरेगी और इसको लेके वो नहाएगा। जस्ट मान लीजिए ये लहरें जब इसको हीट करेगी तो ये बाल्टी उखाड़ के नहीं जाएगा, इसको नाट से फिट किया हुआ है ग्राउंड में, जो भी आप मान लीजिए, तब ये क्या होगा, जो लहरें आएगा तो वो आने के बाद ये भरेगा, उसके बाद ये उसको लेके नहाएगा। तो लहरें की जो हाइट है वो जब इस हाइट के ऊपर जाएगा तभी तो बाल्टी में पानी भरेगा ना, इसके नीचे अगर लहरें आती है तो पानी नहीं भरेगा। उसी तरह से जब आपका जो पावर आती है ऐसी पावर, उसका जो पीक होता है, मतलब कि ये जो पीक पार्ट होता है, इसी में जो है ब्रिज रेक्टिफायर से करंट जाके कैपेसिटर में भरती है, तो इसीलिए जो पावर है वो कुछ इस तरीके से करंट लेता है, उसके बाद इस तरीके से करंट लेता है, मतलब कि पूरा साइन वेव में करंट नहीं लेता है, जब आपका पीक आया तभी करंट लिया ब्रिज रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये है, जो जनरेटर ये करंट पैदा कर रही है वो जनरेटर इतना तक बिना लोड में चल रही है, मतलब कि कोई करंट नहीं जा रहा है, और जैसे ही पीक आया बहुत ही हाई एक करंट गया, उसके बाद फिर से बिना लोड में चला और एक पीक आया नेगेटिव पीक, बहुत लोड पड़ गया, मतलब कि जो मैग्नेट है ये जो है कॉयल के पास जब आती है तब इसके ऊपर लोड पड़ता है, और कॉयल को जब थोड़ा सा भी पार कर गया नो लोड, उसके बाद नो लोड में घूम रहा है, उसके बाद फिर से जब आया तब बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया। मतलब कि आपने गाड़ी चला रहे थे, रास्ता आपका क्लियर था, अचानक एक बम्पर, उसके बाद रास्ता क्लियर था, अचानक एक बम्पर और, तो ऐसे में आपका गाड़ी ख़राब हो जाएगा ना। तो ऐसे ही ये जनरेटर जो है ये जब इस मैग्नेट के पास आती है तब धक्का खाती है, क्योंकि हजारों करोड़ों ऐसे ब्रिज रेक्टिफायर उस लाइन में लगा हुआ है,
जैसे जैसे कि आप आपके घर के भी अप्लायंसेस देख लो, कंप्यूटर के पावर सप्लाई, एलईडी लाइट, फ़ोन की चार्जर, जो भी है सब ब्रिज रेक्टिफायर से चलती है, सब पहले डीसी बनाता है इसको, तो उस जनरेटर में बहुत ज़्यादा असर पड़ती है इस कारण से। मतलब कि जब तक ये घूम रहा था, नो लोड में घूम रहा था, जस्ट मैग्नेट के पास आया, मैग्नेट के बगल में ये अचानक इसके ऊपर झटका पड़ गया, उसके बाद इसको पार कर गया, नो लोड नो लोड नो लोड, अचानक झटका पड़ गया। तो इस तरह से अगर ये झटके में चलेगी तो इसकी बॉल बेयरिंग लूज हो जाएगी। तो आप बात आती है पावर फैक्टर करेक्शन की, तो हम करेक्शन कैसे करेंगे इसको। ये जो पावर करंट ले रहा है ये ऐसा नहीं लेना चाहिए, ये करंट लेना चाहिए साइन वेव में, जैसे वोल्टेज है वोल्टेज के तरह साइन वेव में करंट लेना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस बाल्टी का एग्जांपल समझो। अगर आप चाहते हैं कि ये लहरें इसके ऊपर हीट करते ही इसके ऊपर पानी ना भरे बल्कि कम लहरें में भी पानी भरे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पंप बैठाना पड़ेगा। एक पंप से आप इसमें पानी भरेंगे और वो इसको लेके नहाएगा। तो ये जो पंप है इसको इलेक्ट्रिकली हम किसको पंप बोलते हैं, बूस्ट कन्वर्टर। तो इसलिए हमें बूस्ट कन्वर्टर यूज करना पड़ता है, डीसी बूस्टर। तो इसके लिए एसएमपीएस के अंदर एक और कॉइल रहती है जो ये नहीं सोचता है कि आपका वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आपका साइन वेव में है, वो भी इसी वोल्टेज को, मान लीजिए वोल्टेज इतना में है इसको वो बढ़ा के 310 वोल्ट करेगा, वोल्टेज इतना में है इसको भी बढ़ा देगा इस लेवल पे, वोल्टेज यहाँ पर है इसको भी बढ़ा देगा इस लेवल पे। तो इस लेवल पे ऐसे बढ़ा बढ़ा के ये काम करता है, मतलब कि हमेशा इससे पावर खींचता रहता है और हमेशा कैपेसिटर को चार्ज करता रहता है। तब कैसा होगा, अगर इस जो पावर है इससे अगर हमेशा ऐसे लेवल पे वोल्टेज बढ़ाया जाता है, जो वोल्टेज कम है उसको बढ़ा दिया इस लेवल पे, इस कम वोल्टेज को बढ़ा दिया, ऐसे कम वोल्टेज को अगर बढ़ा देता है बूस्ट कन्वर्टर यूज करके, मतलब कि डीसी स्टेप अप उसको यूज करके इसको डीसी हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। और अगर इस कन्वर्ट किया हुआ वोल्टेज को इस ब्रिज रेक्टिफायर के आगे दिया जाता है तो ये तो हमेशा ही करंट लेगा ना, क्योंकि इस डायोड को हमेशा ही वोल्टेज हाई मिल रहा है, कैपेसिटर के वोल्टेज से हाई मिल रहा है। तो एसी में क्या होता है, कैपेसिटर की वोल्टेज अगर इसमें है तो एसी की कुछ साइकिल में वोल्टेज कम हो जाती है कैपेसिटर से, लेकिन यहाँ पर कभी भी कम नहीं होता है अगर आप पीएफसी लगाते हैं, मतलब कि पावर फैक्टर करेक्शन। तो इसीलिए दोस्तों जो हाई एम्पियर की पावर सप्लाई होता है, जैसे कि कोई वेल्डिंग मशीन मान लीजिए, वेल्डिंग मशीन वो 2000 वाट की होती है, मतलब कि जो हाई लोड होता है और महंगा डिवाइस होता है, जैसे कि कंप्यूटर की पावर सप्लाई है वो 450 वाट 800 वाट हो जाती है। तो 450 वाट में हमें पावर फैक्टर करेक्शन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का अच्छा ब्रांड का पावर सप्लाई होता है वो पीएफसी ऑफर करती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, अगर मैं कुछ चीज़ें मिस कर गया तो आप कमेंट्स में बता देना, और अगर इस तरह के वीडियो आपको देखना पसंद है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल के साथ ज्वाइन होकर मेंबर बनके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद ए फ्रेश एंड न्यू आइडिया।